कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज से ना एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि खा खा के ना बरेलर मुर्गी की तरह बिल्कुल मोटे हो गए। तो मैंने अब डिसाइड किया, अब डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए ट्रैक है मरी एक्सप्रेस वे। तो आज से लोगों के लिए मोटरवे है और मेरे लिए एक्सरसाइज ट्रैक होगा। तो शुगल मेला काफ़ी लगा रहेगा। अभी मैं बस पहुंच गया हूँ अपने ट्रैक के करीब ही। बस अभी जाके फौरन ही एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, रनिंग शनिंग करूंगा, साथ में बाकी जो जो वर्जिश वाले एक्सरसाइज वगैरह होती है वो सारी ही करेंगे। चलो आपको भी दिखाऊंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो लें जी, मैं पहुंच गया हूँ मरी एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से मैं अपनी वर्जिश शुरू कर रहा हूँ। तो अभी बस दौड़ना शुरू करेंगे। मुझे लगता है वो सामने उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, वो सुर्ख वाली। तो इनसे पहले तो जाके पूछता हूँ कि इन बेचारों के साथ क्या ट्रेजी हुई है। इनकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, देखता हूँ। A few moments later, ख़राब हो गई है, हेल्प करूँ मैं? अच्छा दोस्तों, मैं अपनी एक्सरसाइज गाड़ी को धक्का लगाने स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी को धक्का लगा के आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये इन भाइयों की गाड़ी खराब हो गई है ना इधर एक्सप्रेस वे पे। A few moments later, गाड़ी हमने घुमा लिया, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इन भाइयों को तो मैंने ना सीधा कर दिया है, उनकी गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। अभी आगे की तरफ चलता हूँ। सुनाए, ठीक ठाक होंगे उम्मीद है आप सारे। मैंने शुरू की हुई है जॉगिंग, स्लो स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि ना अरसे बाद मैं ना एक्सरसाइज के लिए निकला हूँ। तो मैंने कहा बहुत जल्दी थक ना जाऊँ, इसलिए ना स्लो स्लो ही जा रहा हूँ। एक्सप्रेस वे पे ना एक्सरसाइज करने के दो तीन फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, बंदा इन खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाले नज़ारों को भी देखता रहता है, बंदे का ना दिल बिल्कुल खुश रहता है। और उसके अलावा मेरे पास और कोई ट्रैक था नहीं, यही सबसे करीब तरीन मेरे पास खुली जगह थी, तो इसीलिए मैं आता ही इधर ही हूँ, अब इधर ही आया करूँगा हमेशा। A few moments later, यार बमुश्किल ही कोई 1 किलोमीटर ही रनिंग की होगी और मेरा तो बिल्कुल सांस फूल गया। बस हो गए यार, अरसे दराज बाद ना रनिंग स्टार्ट की और बुरा हाल हो रहा है। ओए अभी ना यार टांगे और जिस्म दोनों ही ना मेरा साथ छोड़ गए हैं। मैं यहाँ पर आके लेटा पड़ा हूँ, बहुत यार थक गया हूँ, सांस बिल्कुल फूल गई है। बस हो गई है यार, अभी थोड़ी सी देर सांस निकालता हूँ, फिर बाकी एक्सरसाइजेस करूँगा। बैम बाप बारा बाप बूम पाव। A few moments later, सांस मैंने निकाल लिया, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। अभी ना बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, पुशअप्स और ETC।
जिन दोस्तों के ना पेट वगैरह बड़े हो रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशल रिच एक्सरसाइज है जो मुझे मेरे ना दोस्तों ने टीचर ने रेकमेंड की थी, मैं वो करके दिखाता हूँ। वो दोस्त ना सारे जिनके पेट बड़े हो रहे हैं वो ये रिच एक्सरसाइज किया करें, उनके पेट भी ठीक हो जाएंगे और पेट ना मतलब सख्त भी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद ना उनके पेट बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों आज के सेशन और इस व्लॉग को मैं भी एंड करता हूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका अपना ज़ीशान खान नियाज़ी, अल्लाह हाफिज़। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मज़े की जगह है, ये आप पीछे देख रहे होंगे। इन सारे व्यूज़ में आकर नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बनाने का इरादा है, आपको इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट मिलेगी।